रेत शराब और परिवहन के बाद वेयरहाउसिंग में नेताओं का दखल तेजी से बढ़ रहा है। रसूख के इस प्रभाव को कम करने के लिए प्रदेश सरकार ने पहली बार वेयरहाउसिंग में फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पॉलिसी लागू की है। सरकार का दावा है कि गेहूं और धान के स्टोरेज पर वेयरहाउस संचालकों की मोनोपोली खत्म हो जाएगी। नई नीति में यह प्रावधान किया गया है कि अब किसी निजी वेयरहाउस संचालक ने वेयरहाउस खाली करने वाले रास्ते पर जानबूझकर जेसीबी से सड़क खोद दी तो उसे 3 साल के ब्लैकलिस्ट 3 साल के लिए जो है कर दिया जाएगा। और यही नहीं, गोडाउन के ताले नहीं खोले या गोदाम को खाली करने से पहले कीटनाशक छिड़का तो किराया बंद कर दिया जाएगा। खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के संचालक दीपक सक्सेना ने बताया कि फीफो में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पॉलिसी से निजी वेयरहाउस का स्टॉक खाली होगा और इससे वेयरहाउस के स्टॉक को लेकर सामने आने वाली सारी गड़बड़ी पर अंकुश लगेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशों के बाद वेयरहाउस में भंडारण में पारदर्शिता के लिए नई पॉलिसी लेकर आया है और इसे तैयार किया है। विभाग के मातहत काम करने वाले MP वेयरहाउस और लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन इस नीति के प्रावधानों के तहत निजी वेयरहाउस से स्टॉक उठाया जाएगा, यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और PDS में वितरण करने के लिए राशन दुकान तक पहुंचाने के लिए वेयरहाउस से फीफो सिस्टम में ही स्टॉक उठेगा। और इसके लिए MP वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन ने वेयरहाउस के स्टॉक को डिजिटलाइज्ड कर दिया है और इसे पब्लिक पोर्टल पर भी कोई भी सीधे देख सकेगा।